दिखाना, एक सेकंड दिखाना, दिखाना, दर्द हो रही है, दिखाना एक सेकंड। अभी इतने दिन से मना रही हूँ, इतनी बड़ी गलती कर दी। एक बारी मनाया, ज्यादा वो नहीं, हीरो नहीं बन, ठीक है? कितनी बारी मनाया, कितनी बारी यार? जब तेरे को मैंने कल बोला माफ कर दिया, तो मैं क्या बोलूं? एक बारी मनाया। हाँ तो सच में कसम से लड़कियों से ज्यादा ड्रामे ना तेरे हैं। तो जा यार, इसको ले जा यार, यार छोड़ो, इधर से चलो आगे जा कर लेते हैं। यहाँ पे लोग देख रहे हैं भाई, मैं पागल नहीं हूँ, शोर नहीं चाहिए मेरे को इधर। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइज, सुबह के भाई कम से कम 11-12 बज रहे हो भाई, अभी आपको भाई उठ चुका है। तो भाई रेस गया हुआ नहाने पीछे, भाई आप रूम की हालत देख सकते हो। तो भाई सुबह सुबह उठते हैं ना भाई, मतलब क्या बोलूँ, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ क्या बोलूँ भाई। पहले दोस्त होते थे तो गुड न्यूज़ होती थी भाई, अब दोस्त नहीं है तो भाई अब बैड न्यूज़ है। भाई पारुल का कॉल आया हुआ था भाई रईस को, बोलते भाई राजे ने माना या नहीं। तो रईस ने गुस्से में आकर गाइज बोल दिया नहीं माना, तो वो भाई बोल रहे कि मैं विनीत भाई के घर पर ही आ रही हूँ, मैं इसको इधर ही आके बताती हूँ। तो मेरे को रईस ने जैसे बोला ना, मैं वैसे फटाफट उठ गया गाइस। अभी देखो हालत, मतलब अभी सो गए, फटाफट उठे, फ्रेश वैश हुए, तो मैं फटाफट रईस गया हुआ वॉशरूम में। मैंने बोला चल फ्रेश हुए, काम करते हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, देन उसके बाद ना इसको भाई रोड पे मिलेंगे। क्योंकि भाई अगर घर पे आएगी ना गाइस, इसको ना मतलब चिल्लाने की ना बहुत ज़्यादा आदत है। ये गाइस चिल्लाने अगर लगी ना तो भाई सीन हो जाएगा। तो भाई अभी देख रहे हो भाई, अभी डर मतलब मेरे को यही है कि वो यहाँ पर ना पहुँचे। अभी उसको लाइव लोकेशन रईस ने भेजी है, तो रईस ने मतलब जब देखा कि वो कहाँ पहुँची कहाँ नहीं, तो रईस बोलता है एक काम करते हैं, पहले फटाफट यहाँ से निकलते हैं तो बाहर उससे मिलते हैं। तो अभी जैसे रईस बाहर आएगा तो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और गाइस मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई इसको क्या हो गया। अगर इसने कल माफ़ी मांगी, मतलब गुस्से से मांगी गाइस, और उसके बाद बोलती मैं जा रही हूँ तू जा, मतलब ऐसे मतलब होगी। ऊपर से बीच में रईस बेचारा फंस जाता है, क्या करना। तो आज मेरे को रईस बोल रहा है कि चल छोड़ यार, दोस्त थी मतलब कर दे माफ़। मैंने भी उसको ये चीज़ बोला, मैं मुझे भी पता है भाई दोस्त थी, तो इसलिए भाई इसकी मैं इतनी बातें सुन रहा हूँ, नहीं तो भाई कोई आज के टाइम पर किसी की कोई भी बात नहीं सुनता है। तो इस बारे में गाइस माफ इसको कर देता हूँ, ज़रा देखते हैं भाई क्या बोलते क्या नहीं। क्योंकि भाई हमारे लिए पहले एक अच्छी दोस्त थी, और मैंने सोचा था कि भाई इसकी मेरी दोस्ती हमेशा भाई हमेशा साथ रहे, हम एक अच्छे दोस्त हैं। बट ये है भाई, इसको जब गुस्सा आता है भाई कुछ भी बोल देती है। बट अभी आपके भाई को सच में डर लगा, और सच में भाई कभी कभी ना भाई हमें भी बुरा लगता है। आप सोचते होंगे भाई राजा डीसी की भाई बहुत अच्छी लाइफ है भाई, खुश रहते हैं भाई, बाइकों पे घूमते हैं ये वो। बट भाई जब हमारी लाइफ में कुछ मतलब बुरी चीज़ें होती है ना, वो हम यूट्यूब पे नहीं बता पाते, वो भाई मन ही मन में हम सिर्फ सोच के उसको खत्म कर देते हैं। बट जब कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो भाई मैं अगर मेरे को कुछ लेना होता मैं यूट्यूब पर आके बोलता हूँ गाइस आज आपका भाई ये ले रहा है, आज आपका भाई वो ले रहा है। बट जब भाई हमारे ऊपर कुछ बीत होता है भाई, वो आपको भाई आपको नहीं बता सकता। और अभी भी इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ इसने मतलब उस दिन जिस बंदे ने इसकी स्टोरियाँ देखी होंगी ना, वो बंदों को पक्का पता होगा कि इसने भाई मेरे लिए क्या क्या बोला था। और वो चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, इवन तक कि भाई रईस को, शफकत को, शफकत ने भी भाई सख्त मना सख्त वो हो रहा हूँ देखो तोतला हो रहा हूँ सुबह सुबह, शफकत ने भाई सीधा सीधा मना किया था कि भाई नहीं बात करेंगे। अभी शफकत भी वीडियो देख रहा होगा ना, वो तो भाई अलग मारेगा, और उसके 2-3 दिन का कॉलेज में काम था वो भी खत्म हो गया, क्या पता वो कल या परसों सीधा चंडीगढ़ आए और वो इधर से उठा के सीधा दिल्ली लेके जाएगा। तो बाकी चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी बस यही है कि भाई फटाफट रईस बाहर है, हेलमेट शेलमेट पहनते हैं, जैकेट वगैरह भाई वो पीछे पड़ी हुई है, जैकेट वेयर करके इधर से निकलते हैं। और आज का जो भी सीन रहेगा ना, आज मैं कोशिश करूंगा गाइस कि मैं इसकी जो वाली बात है वो बात को खत्म करके अगर हो पाएगा तो गाइस माफ कर देते हैं। तो बाकी देखते हैं आगे दोस्ती कैसे रहती है। बाकी आप भी भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि भाई मेरा दिल ऐसा नहीं है कि भाई मैं पुराने दोस्तों को भूल जाऊं। भाई बचपन से जो दोस्त साथ है भाई अभी तक भी वही दोस्त मेरी लाइफ में मेरे साथ है, और मैं मेरे को शौक भी था कि मैं न्यू दोस्त बनाऊं, जो दोस्त है भाई काफी है साथ में। और भाई देखते हैं आज इसको अगर माफ कर दिया तो भाई इसको एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई अगर कभी तेरी मेरी लड़ाई हुई तो भाई कभी उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि भाई देखो मेरे और पारुल की लड़ाई भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैंने बोला चलो छोड़ यार कोई बात नहीं। बट इसने भाई पूरे पूरे मैं बोलता हूँ पूरे हिमाचल, पूरे आगे पीछे जो हाँ जहाँ ये बता सकती थी वहाँ वहाँ इसने बताया। और अभी मैं भाई खुल के भी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, विनीत भाई और भी पीछे और वही उनको भी भाई नहीं है कि भाई बात वगैरह करेंगे वो, बट क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि भाई नहीं जिस बंदे से एक बारी लड़ाई होगी तो चलो छोड़ो। तो बाकी चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, और अभी निकलते हैं, हेलमेट वगैरह ये पड़ा हुआ। और भाई फटाफट से 1 मिलियन जैसे आपको पता होने वाले, और मैंने बोला था कि 1 मिलियन पर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं बाइक चेंज करूँ, और जैसे भाई 1 मिलियन हो जाएंगे उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई कौन सी बाइक लेनी है 1 मिलियन के बाद आपको बता दूंगा। पहले तो फटाफट 1 मिलियन करने की कोशिश करते हैं भाई, आपको पता है फटाफट 1 मिलियन होने वाले, और आई होप कि भाई दिसंबर से पहले तो चल रहा है ना, और क्रिसमस से पहले तो मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे। और उसके बाद भाई देखते हैं दिल्ली जाने का क्या सीन रहता है क्या नहीं। बट अभी फटाफट रईस वॉशरूम में बैठा है, इसको फटाफट बाहर खींच के लाता हूँ और इधर से निकलते हैं। इसको एक काम करते हैं भाई, पारुल को ना हम बाहर ही मिल लेंगे, तो चलते हैं। और सच में भाई अपने बाइक के लिए ना प्रे किया करो कि ये छोटे मोटे जो लाइफ में सीन चल रहे हैं ये खत्म हो जाए, फटाफट शफकत भी आए और भाई एक अच्छी ट्रिप पर निकले। क्योंकि भाई माइंड ना जो मतलब ये सब लड़ाइयाँ कर करके ना भाई पक चुका है, और मेरे को भाई लड़ाइयाँ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर ये दोस्ती भाई आगे तक साथ चलनी होगी चलेगी, नहीं चलनी होगी तो भाई नहीं चलेगी। बाकी अभी फटाफट इधर से निकलते हैं, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं। कैसे हो?
बढ़िया, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? गाइज मुझे भी ना यार ऐसी लाइफ चाहिए भाई, कोई टेंशन ना हो लाइफ में, बस भाई घूम फिर रहे, देखो स्माइल देख रहे हो, वो पार्क में खेल रहे हो और अपनी बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट। और गाइज यार सच में बहुत मूड ऑफ है यार, सच में दिल से बोल रहा हूँ यार, मेरी लाइफ में आजकल ना दिन इतने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रही है भाई। अपने बाइक के लिए ना दुआ किया करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाए भाई, सच में यार। मतलब जब भी मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ ना भाई, इतना बुरा हो जाता है ना। और इस मतलब पारुल के साथ भी दोस्ती हमने अच्छे के लिए की थी कि ये, बट मुझे नहीं पता भाई मैं कभी लाइफ में लड़ाई हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, बट चलो देखते हैं यार। अगर वो घर पे चलेगी ना तो यार सीन हो जाएगा, माँ की कसम यार, रईस क्या दिमाग ख़राब किया हुआ है यार। पहले तो उसको बंद करते हैं गाइस। ओहो हो तो गाइस बाइक भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना, आज मैंने सोचा था अपनी बाइक शाइक धोएंगे, कहीं घूमने फिरने चलेंगे, बट फिर वही सीन हो गया यार आपके सामने। उसको मैंने कल ये तक भी बोल दिया, मतलब देखो फिर तोतला हो रहा हूँ, मतलब कल उसको मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि चल ठीक है भाई माफ़ कर दिया, मतलब अब कैसे माफ़ करूँ यार, मतलब ठीक है यार। अब रईस कॉल कर रहा है भाई, उसने डरा दिया, बोलती मैं सीधा विनीत के घर पर आ रही हूँ, वहीं पर मुझे पता तू ये वो वगैरह वगैरह, क्या बोलूँ यार। और देखो छोटा, छोटे बच्चों की लाइफ बोलता हूँ ना, सच में बॉम्ब है। देखो बाइक देख रहा है, इतना स्माइल कर रहा है, उसको पता है कि भाई बाइक है तो बस सब कुछ है। मेरे को भी पहले ये लगता था कि भाई बड़ा हो जाऊँगा बाइक्स वगैरह चलाऊँगा, गाड़ियाँ शाड़ियाँ लूँगा, घूमूंगा, बट जैसे जैसे लाइफ में बड़ा हुआ साथ में प्रॉब्लम्स भी लाइफ में साथ साथ आती रही। और अभी ना विनीत भाई को भी कॉल करके बुला लेता हूँ, विनीत भाई को मैंने बताया ही नहीं क्या सीन है, वो बोलते मैं प्रेरणा को तैयार करके फटाफट हम आते हैं, तो बोलते थे आप जाओ। क्या बोल रही है, बोल इधर ही आ जा यार। अरे इसने गाइज उसको लोकेशन वगैरह भेज दिया है यार, कल भी तो तेरे सामने माफ कर ही दिया था, अब कैसे माफ करूं बता ना यार, बोलेगा यार कुछ समझ नहीं आ रहा रईस, क्या करूं क्या नहीं यार। यार बात तो कल भी की थी, फिर गुस्सा दिखाती है, ये है तो वो है। तो गाइज टाइम देखो 4:19 हो गया और भाई पारुल आ गई है, वो देखो भाई उस तरफ से आ रही है कैब, अभी इधर आके इसकी रुकी है। तो अब वापस है भाई, मतलब इसने आज ये मतलब बड़ा कुछ बोला इसने रईस को मेरे लिए, आज मैं प्यार से बात करूँगा गाइस, सच में आज मैं बिल्कुल प्यार से बात करूँगा, सच में कोई बहस वगैरह इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, हाँ आराम से बात की जाएगी आज। और देखो भाई आ चुकी है, मतलब इसको क्या बोलूँ, क्या हाल है, ठीक है, तू तंग क्यों करती है कॉल कर करके, हैं क्या तंग क्यों करती हो कॉल कर करके, वो पूछ रहा हूँ। गाइस देखो मुंह देख रहे हो, मतलब आती है बात करने और बात भी नहीं करती है, तोड़ दिया ना दोस्ती। कहाँ तोड़ी, माफ तो कर दिया था, माफ करके ये माफ करना होता है, क्या होता है, ऐसे जाना होता है तो कैसे जाना होता है भाई, तेरी धमकियों से डर के ना हम रोड पे आगे खड़े हो गए, तो किसी के घर पे आना होता है पहले ये बताओ। मैंने बोला कि मेरे से बाहर मिलने आ, या तो फिर मैं आ रही, अब तू बार बार बोल रहा था कि नहीं मेरे को नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना, तो मैं क्या करूँ बता। तो नहीं मिलने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कल इतनी बात की और कल आपकी बात खत्म नहीं हुई यार, तो तू इतनी जल्दी दोस्ती तोड़ देगा। मैंने कब बोला मेरे को तोड़नी है, अब बोल तो दिया चल माफ, तूने कल सॉरी मांगी माफ, हाथ पे लगी है ये, हाथ पे क्या हुआ जरा दिखाना, हाथ दिखाना, हाथ दिखाना, एक सेकंड एक सेकंड रही, इसके हाथ पे कुछ है, नहीं 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 बिना मजाक के 2 मिनट दिखाना, एक तो तू बोल रही है मेरे को माफ कर, ऊपर से बात भी नहीं मान रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, देख रहे हो गाइस इससे हमारी दोस्त बनेगी, बात तो मानती नहीं है, कुछ कुछ बातें क्या होती हैं। अच्छा एक सेकंड आगे करते हैं, हम नहीं देखेंगे, खाली हाथ दिखाना, थोड़ा सा तो दिखा, थोड़ा सा दिखा दे, बोलेगी, अच्छा चल ठीक है, नहीं बता बता क्या बात करनी थी, बोल तू, बोल ना बात करनी है, बोल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास यार, कीमती की बात नहीं, 100 काम होते हैं, काम तो वही तो तेरे को भी होंगे, बट फिर तू क्यों ऐसा बोल रही है, जब जब कल माफ कर दिया बात खत्म, सही बात है, सही था ना, कि जा खत्म, ये वो किया क्या जरा दिखाना,
अच्छा हाथ तो दिखाए एक सेकंड, या फिर मैं जबरदस्ती पकड़ के देखूं। गाइस देख रहे हो इसको लगी हुई है, पता नहीं कहाँ गिर के आई है नाली में। ठीक है दिखाना, एक सेकंड दिखाना दिखाना, दर्द हो रही है दिखाना एक सेकंड। वाओ क्या था ये, पागल है कट क्यों मारे तूने, इतनी छोटी बात में तो कट मार गई है। माफी भी कर रहा था, माफ कर तो दिया था, कट मारने वाली क्या जरूरत है, छपरी लोग कट मारते हैं। छपरी हूं मैं तो। एक मिनट दिखाना जरा, सच लगी अब तो फिर क्यों मारी है, क्या कोई तो भाई ये कोई दोस्ती है, छोड़ यार तू पागल है, लगी है उसको यार, रहन तो छोड़ यार। गैस जैसे भी अगर ये डाल दिया ना क्या बंदा, गैस देखो ऊपर से बोल रही है माफ करो और ऊपर से क्या काम कर रही है, गैस क्या कर रही है, ये कोई काम होता है दोस्ती में करने वाले तो जब ठीक है, गलती है तो भाई दोस्ती को ठीक होने में टाइम लगता है ना, तो मैंने दिया ना टाइम। हाँ तो एक दिन में सब कुछ तो एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक नहीं होता है बट फिर भी तू एकदम से ही सब कुछ ब्लॉक कर दिया यार। मैं 10 बारी बोलूं इसको, 10 बारी बोलूं, बता ना मेरे को यार, मैं क्या करूं यार, मैं तूने पहले इसको ब्लॉक कर इसको यार, मैंने भी ब्लॉक किया तू भी कर दे, तो मैं भी इतने दिन से मना रही हूं, इतनी बड़ी गलती कर दी, एक बारी मनाया ज्यादा वो नहीं, हीरो नहीं बन, ठीक है, एक बारी मनाया, कितनी बारी मनाया, कितनी बारी यार, जब तेरे को मैंने कल बोला माफ कर दिया तब मैं क्या बोलूं, एक बारी मनाया। हाँ तो सच में कसम से लड़कियों से ज्यादा ड्रामे ना दे रहे हैं, जा यार इसको ले जा यार, ले जा इसको यार, इसको तमीज है बात, तमीज है इसको बात करने की, कर हाँ तो ठीक है कर, तो भाई गलती की है तो सहो, आगे पीछे इसको नहीं पता कि लोग देख रहे हैं, हाँ तो तू आ जाती है रोज लड़ाई करने के लिए, लोगों से फर्क पड़ता है तेरे को हमेशा, हाँ पड़ता है भाई, जा यार इसको ले जा यार, मैं चला, जा जा इसको ले जा कहीं पे, छोड़ मैं चला वापिस, जब कल मैंने बोला था माफ कर दिया तो नहीं किया था माफ इसको, कल किया तो था ना, हाँ तो तू भी तो गई थी, मतलब एक गलती की वजह से बाकी 100 अच्छाइयां भूल गया। उफ अच्छा सुन मेरी बात, मैंने तेरे को माफ कर दिया बस बात खत्म, अब क्या करूं बता, रोड पे नाचूं हैं, कर तो रहा हूँ, अनब्लॉक कर दूंगा जब मन करेगा कर दूंगा, तो तेरे को सोच समझ के मेरे साथ लड़ाई करनी चाहिए थी, मैं तेरा अच्छा दोस्त था या नहीं, सोच समझ के लाना चाहिए था ना फिर दूसरी लड़की को व्लॉग में, अगर दूसरी लड़की व्लॉग में आ गई तो दोस्त दोस्त क्या होते हैं, तो ये बता दे, वो स्पेशल है या मैं स्पेशल, तू पहले स्पेशल था, थी दोस्त थी, पर तूने क्यों ऐसा काम किया बता मेरे को यार, आगे पीछे चल यार, तूने लाई थी लड़की व्लॉग में, तो तू जब तेरे से मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी तो फिर मैं कौन हूं, हैं मेरे को हेल्प नहीं चाहिए इधर से, लड़ाई करने आ जाती है, लड़ाई करने आ जाती है, तो प्यार से बात नहीं होती तेरे से, जा यार सॉर्ट करने आएगी ये, लोग देख रहे हैं सारे, मतलब चिल्ला क्यों रही है, घर है तेरा, चलो आगे जाके बात कर लेते यार, छोड़ो इधर से चलो आगे जा कर लेते हैं, यहाँ पे लोग देख रहे हैं भाई, मैं पागल न्यू शोर नहीं चाहिए मेरे को इधर, जब हम आ चुके हैं भाई गाड़ी में, भाई आप देख रहे होंगे भाई रईस भी साथ में और अपने विनीत भाई भी साथ में है, तो भाई बहुत होगी लड़ाइयाँ वगैरह, तो फाइनली भाई मैंने बोला चलो अभी लड़ाई वगैरह को करो माफ, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते कि राजा भाई करो माफ, तो भाई सब भाइयों की बात वगैरह, सब भाइयों की बात वगैरह मान के भाई कर दिया है माफ, ठीक है तो चलो गाइस छोड़ो यार, लड़ाई जहां तक थी तो भाई मैं ज्यादा इस लड़ाई को ना भाई आगे तक नहीं लेके, तो गाइस इस लड़ाई को मैं ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊंगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, रईस ने भी आज मेरे को बोला चलो अब अगली बार कोई गलती करेगी तो अब देखेंगे, तो भाई उसके बाद और भी बहुत सारी बातें शादी हुई थी, बट भाई फिर हमने कहीं पे बैठे हुए थे वहां पे जाके मैंने ज्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, मैंने बोला भाई जहां तक जितना व्लॉग शूट होता है वही ठीक है, बाकी चलो छोड़ो गाइस जो था मतलब लड़ाई वगैरह होगी तो ठीक है, तो बाकी ये बंदा देखो भाई आज ये भी नाराज है, स्मार्ट है विनीत भाई की, आगे कोई बोल सकता है क्या विनीत भाई
तो गाइस चलो छोड़ो, तो आई होप आज की राइड क्या गाइस, आज तो कुछ राइड ही नहीं की, बट डर के निकले घर से भाई। सही बात है भाई, वो पागल आपको पता है, वो बोलती मैं आने लगी हूँ घर पे ये, और आपको पता है मैं ऐसे घर पे आने नहीं दे सकता। मैंने बोला भाई हम बाहर आते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो भी थी अंडरस्टैंडिंग, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की ठीक, जो भी था भाई, जिसकी भी गलती थी मिट्टी डालो उस चीज के ऊपर। अब अगली बारी देखेंगे भाई, जो होगा सो होगा, अगली बार कोई माफी कुछ नहीं मिलेगी, सीधा भाई दोस्ती खत्म होगी। और आप भी भाई जितना अपने सब्सक्राइबर है ना भाई, जिद मत किया करो कि भाई उसको व्लॉग मिलो भाई। अगर हमारा कोई बंदा ऐड होता है ना कभी व्लॉग में, तो भाई कभी कोई गलत होगा तो भाई उसको छोड़ना भी पड़ता है भाई, गलत बंदे को साथ लेके चलेंगे ना तो भाई क्या फायदा उस चीज का। बाकी ठीक है भाई, उससे गलती हुई, उसने माफी मांगी, तो इस बार हमने उसको कर दिया माफ। और उसने पागल ने हाथ वाट भी काटा हुआ था, उस चीज से भी भाई थोड़ा बुरा लगा। मैंने बोला भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, वो तो गलत है, वो चीजें गलत थी, सही बात है ना, हाथ काटना चाहिए। विनीत भाई का बोल सकता है क्या? विनीत भाई नहीं बोल सकता आपका कोई, नहीं सही नहीं बोलता भाई, बड़ा भाई है हमारे ये, ठीक है। तो बाकी भाई कल प्रॉमिस है भाई, कल होगी हाइपर राइड, चाहे जो भी हमारे दोस्त है भाई चंडीगढ़ से, पारू लोग या कोई भी होगा भाई, जो भी साथ कल ब्लॉग में हुआ जो भी रहेगा, तो बट कल हाँ भाई राइड कल रहने वाली हाइपर, कहीं दूर जाएंगे। और भाई मैं सोच रहा हूँ भाई चंडीगढ़ में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे हम दूर जाके कोई भाई राइड वगैरह कर पाए। मैं इनको बोल सकती भाई शिमला चलते हैं, तो बताओ मतलब है कोई प्लान ट्रिप का छोटा मोटा कि नहीं? कब? सैटरडे संडे या कल? सैटरडे संडे अगर कोई ट्रिप का प्लान बनता है ना तो सैटरडे, हाँ सैटरडे संडे अगर भाई कोई भी ट्रिप का प्लान बनता है तो आपका भाई आपको जरूर बताएगा। और मेरी बाजू थक चुकी है कैमरा पकड़ पकड़ के, देखो अन्ना अन्ना देख रहे हो, हागीरा मारू, हागीरा मारू है ये गाइस, वो तो मेरे को पता है, अलग नाम बना रहा हूँ ना अन्ना के हिसाब से। तो गए चलो छोड़ो यार, बाकी आप ऐसे अपने भाई को प्यार करते रहो, फटाफट भाई 1 मिलियन होने वाले हैं, फटाफट कराओ। और 28 को भाई इस बंदे का बर्थडे, तो इसको हैप्पी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और उस दिन जो मैंने विनीत भाई ने इसका हाल करना है ना 28 को, फालतू का बोलता रहता है गाइस, 28 को इसका बर्थडे है, बर्थडे ऐसे ही बोल रहा है गाइस, सच बोल रहा हूं 28 नवंबर को इसका बर्थडे है, तो इसको पहले ही हैप्पी बर्थडे। और मेरा भाई हो गया 25-26 साल का, तो इसको मुबारकें हो। आप बताओ एक बात क्लियर करो, आप लोग कमेंट करना कौन बड़ा लगता है हम दोनों। चलो ठीक है गाइस, आप कल के कमेंट में ये रियल एज, हाँ बता देना कि भाई राजा डीसी बड़ा लगता है या रईस मलिक बड़ा लगता है भाई, हमारी शक्लें देख के दे लो, छोटी छोटी सी शक्लें हमारी, तो जरूर बता देना ठीक है। फिर हम देखेंगे लोग क्या कमेंट करेंगे, फिर एंड पे रियल एज बताएंगे कितना गैप है हम दोनों, कौन बड़ा है। अच्छा मेरे को भी बता दो कौन बड़ा है, क्या बड़ा है मतलब कौन बड़ा है, क्या बोल रहे हो, कौन बड़ा है आपको क्या लगता है, हम दोनों में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हो, आप तो बड़े हो, हम दोनों में से बड़ा कौन है ब्रो? नहीं यार दोनों में से दोनों ही छोटे हैं, गाइस देख रहे हो। तो चलो छोड़ो गाइस, अभी भाई ड्रिंक वगैरह ऑर्डर किया, कुछ खाने पीने के लिए आए थे, तो ड्रिंक मतलब शेक्स वगैरह, हाँ भाई हालत देख के पता नहीं क्या ड्रिंक सोचेंगे। अमृत भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अमृत बाय। तो चलो गाइस बिना मजाक बोल रहा हूँ, बातें जो खत्म तो होंगे नहीं, बोलता रहूंगा पक पक की तरह, आपको पता है भाई व्लॉगर्स जो भी होते हैं ना उनको आदत होती है भाई बोलने की, तो बाकी मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो भी है बहुत प्यार करती है भाई हमसे, राजा डीसी फैमिली होगी भाई, रईस मलिक फैमिली होगी भाई, विनीत फैमिली होगी, तो भाई बस आप हम तीनों भाइयों को ऐसे ही प्यार करते रहो, हम हमेशा भाई आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहेंगे। और जो दोस्त बुरे होंगे वो लाइफ से जाएंगे, जो अच्छे होंगे वो एंड तक लाइफ में साथ रहेंगे। तो इस व्लॉग को आज करते हैं यहीं पे खत्म, तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।